होली स्पिरिचुअल किंगडम पेज में आप सभी का स्वागत है। आज प्रभात मन्ना सीरीज में एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा से जिस प्रकार हमसे बातें करता आया है, मैं आशा करता हूँ आप सब भी इसी मन से इस कार्यक्रम को सुनते होंगे। आज फिर से एक बार हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बने और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार रहे। आज के लिए हम वचन मनन के लिए बाइबल में से दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसका 16वां पद पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, 17वां पद भी पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। यहाँ पे बाइबल में हम पढ़ते हैं तो एक बात को देखते हैं, 16 पद में जैसे लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हम हमारे जीवन के अंदर, शरीर के अंदर हम बढ़ते जाते हैं एज के अनुसार से, या एज में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर ढलता जाता है, ये सत्य है और स्वाभाविक है। लेकिन एक बात यहाँ पे वचन हमें बताता है कि भीतरी मनुष्यत्व जिसको बाइबल ने बार बार प्रकट किया है, ये है परमेश्वर का द्वारा हमारे, जब हमने नया जन्म पाया तब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक भीतरी मनुष्यत्व को उत्पन्न किया जो पाप से अनभिज्ञ है या जिसके अंदर पाप नहीं है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया तो ये भीतरी मनुष्यत्व हमारे अंदर या उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ, और यही भीतरी मनुष्यत्व के लिए लिखा है कि वो बढ़ता जाता है जबकि हमारा भारी शरीर जो है वो ढलता जाता है। लेकिन एक बात है कि जब हम शरीर में ढलते जाते हैं या बाहर भारी बातों से जब हम ढलते जाते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे लिखा है हमें हियाव नहीं छोड़ते। अगर हमारा बाहर का मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, यहाँ पे लिखा है कि वो खत्म होता जाता है, तब भी हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो क्या है, वो बढ़ता जाता है प्रभु में, और हमें परमेश्वर की बातों में और भी बढ़ने के लिए मौका मिलता है। इसके आगे लिखा है, और हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। यहाँ पे एक बात को लिखा है कि हमारे जीवन के अंदर जब भी कोई कष्ट या क्लेश आते हैं या कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है या हमारे बाहरी बातों के लिए शरीर के लिए जब भी कोई ऐसी सारे संकट क्लेश या महामारी के तौर पे भी देखें या कमजोरी के तौर पे देखें या पैसे की कमी की वजह से भी देखें या हम धन के अंदर या जॉब ना मिलना, ये सारी बातों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर क्या आता है, कष्ट और क्लेश आते हैं। लेकिन बाइबल बताती है ये हल्का सा क्लेश है और कष्ट है। अगर ये आता भी है तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक अनंत महिमा उत्पन्न होती जाती है। बाइबल हमारे को बताती है 17वें पद में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। देखो थोड़ा सा हल्का सा क्लेश, बाइबल इसको बताती है, थोड़ा सा क्लेश क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। अनंत महिमा यानी कि शरीर के लिए एक लिमिट है, शरीर एक उम्र के बाद खत्म हो जाएगा या मिट्टी में से जिसमें से आया मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर पनपने वाला भीतरी मनुष्यत्व जो परमेश्वर के वचन के द्वारा से आपके और मेरे जीवन में आया वो बढ़ता जाएगा और वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। यहाँ पे बाइबल बताती है कि वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये भीतरी मनुष्यत्व ही आपकी और मेरी सच्चाई है, क्योंकि बाहर के शरीर से जिससे आपने और मैंने पाप किया वो तो दंड के अधीन होना ही था और इसको एक समय पे खत्म भी हो जाना है, लेकिन ये जो भीतरी मनुष्यत्व है इसे कोई मार नहीं सकता, ये हमेशा अमर है और इसी के द्वारा से हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे और इसी में रहते समय हमने जो भी पृथ्वी में काम किए इसी के द्वारा से हम क्या होंगे, अनंत काल में सहभागी होंगे। इसलिए भीतरी मनुष्यत्व आज के दिन में हमारे जीवन में बहुत ही एक
सोचने वाली या ध्यान देने वाली बात है कि आपके और मेरे जीवन के अंदर यदि कलेश या संकट आते हैं या शरीर में तकलीफ आती है, जरूर होगा। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, बहुतों के जीवन में ये वायरस भी आया होगा और भी कई बीमारी आई होगी या हमें नष्ट करने वाली बातें आई होंगी। लेकिन प्रिय, आप एक बात को ध्यान रखिए जो बाइबल हमें बताती है आज के दिन में, कि हमारे अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व है, यदि हमारे शरीर के ऊपर कोई कलेश आता है तो बाइबल उसे बोलती है वो हल्का सा कलेश है, क्षण भर का है। उसके बदले में उससे क्या होता है, जब ये कलेश आता है फिर अनंत महिमा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। ये अनंत महिमा युगान युग तक रहेगी, यानी कि एक उम्र तक सीमित नहीं है या पुराना नहीं होगा भीतरी मनुष्यत्व, ये बढ़ता जाता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इन बातों को पकड़े रखना है, हमें परमेश्वर की इसी बात को पकड़े रखना है जो वचन हमें सिखाती है। हमें हमारे जीवन के अंदर भीतरी मनुष्यत्व को बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। ये बढ़ता कैसे है? उपवास करना और प्रार्थना करना या परमेश्वर की आराधना करना, समय समय निकाल कर समय से परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ना या व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ हमें प्रार्थना करना, वचन मनन करना, और ये सारी बातें करने से हमारा भीतरी मनुष्यत्व क्या होता है, बढ़ता है और ये कभी भी घटेगा नहीं, ये अनंत काल तक बना रहेगा। इसलिए आज के इस वचन मनन में आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर इसी बात को बता रहे हैं कि हम शरीर के अंदर भले ही कमजोर होंगे, शरीर के अंदर ही हम क्यों ना कमजोर होंगे या कम होंगे या ये घटता जा रहा होगा उम्र के हिसाब से, आज हमारे अंदर कई प्रकार की कमियां हो सकती है, लेकिन याद रखें आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद जो भीतरी मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व आपके मेरे जीवन में आया है वो बढ़ रहा है। यदि आप और मैं प्रार्थना में लगे हैं, यदि आप और मैं उपवास करते हैं, यदि आप और मैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, वचन सीखते हैं और मानते भी हैं, तो ये भीतरी मनुष्यत्व आपके मेरे जीवन में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इससे फल क्या निकलेगा, ये अनंत स्थानों में या अनंत काल तक आपको और मुझे जीवित रखने वाली बात है। और हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि यही है जो आपको मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करवाने वाली बातें हैं। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम शरीर की बातों पर ध्यान न लगाएं बल्कि आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएं और हम परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ इस वरदान को या इस हालेलुया नई सृष्टि को हम क्या करें, अपने जीवन के अंदर बढ़ने के लिए समर्पित करें। इस वचन के द्वारा से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।